फिकर आपकी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। आज सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच नए स्वास्थ्य मंत्री ने इमरजेंसी हेल्थ पैकेज का ऐलान तो कर दिया, लेकिन सवाल उठता है कि हम अपनी तैयारी पूरी कर पाएंगे। ऐसे में जबकि कोरोना लगातार ग्लोबल से लोकल हो रहा है, आज हम गाँव और कस्बों में जाकर सरकार को दिखाएंगे कि स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे की तस्वीर कैसी है। महंगाई पर अपनी खास सीरीज में कल हमने आपको दिखाया था कि पेट्रोल के बढ़ते दाम के चलते आम आदमी के बटुए पर कैसा बोझ पड़ गया है। आज हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों में ले चलेंगे और बताएंगे कि डीजल की कीमतें बढ़ने से किचन का बजट कैसे बढ़ गया है। एक बड़ी फिक्र आज राजधानी दिल्ली को लेकर है, जहां चार दिनों के अंदर 7 खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। जहां देश की संसद हो, सुप्रीम कोर्ट हो और सबसे बढ़कर जो कि देश की राजधानी हो, वहां सुरक्षित जीवन का अधिकार आखिर खतरे में क्यों है, यह देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। और आज हम आपको आपके मोबाइल फोन और लैपटॉप से जुड़ी एक फिक्र के बारे में बताएंगे। आप जिन गैजेट्स का दिन रात इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर चिप के अभाव का बड़ा खतरा मंडरा रहा है, यह आपके लिए बेहद जरूरी खबर है। प्रधानमंत्री ने आज मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता और आपूर्ति बढ़ाने को लेकर हाई लेवल मीटिंग की है। इस बैठक में कोरोना की तीसरी लहर की आहट से पहले ही ऑक्सीजन की प्रोग्रेस रिपोर्ट और तैयारियों को मजबूत करने पर चर्चा हुई है। इस मीटिंग में बताया गया है कि देश भर में 1500 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट तैयार किए जा रहे हैं। पीएम केयर्स फंड के तहत बनाए गए ऑक्सीजन प्लांट से 4 लाख से अधिक ऑक्सीजन बेड को मदद मिलेगी। इस समीक्षा बैठक में पीएम मोदी ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि ऑक्सीजन प्लांट्स पर काम तेजी से होना चाहिए। केंद्र सरकार के अधिकारियों को इसके लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करना चाहिए और ऑक्सीजन प्लांट्स के संचालन और रखरखाव के लिए अस्पताल में ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए। जाहिर है कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री बेहद फिक्रमंद। नई मंत्रिपरिषद की पहली मीटिंग में भी उन्होंने महामारी को लेकर आगाह किया, कहा कि कोरोना वायरस हमारे बीच से गया नहीं है, इसलिए किसी तरह की ढिलाई खतरनाक हो सकती है। और अगर कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर गौर करें तो प्रधानमंत्री की फिक्र जायज लगती है, क्योंकि पिछले 3 दिनों के आंकड़े देखें तो कोरोना के नए मामले 40,000 से ऊपर हो रहे हैं। कोरोना से प्रतिदिन मौत के मामले पर भी गौर करें तो यह आंकड़ा 800 से 900 के पार दिख रहा है। और इसीलिए देश के स्वास्थ्य मंत्रालय में फेरबदल किया गया है और कार्यभार संभालते ही नए मंत्री ने कोरोना से लड़ने का रोड मैप देश के सामने रखा। 23,000 करोड़ के इमरजेंसी फंड का ऐलान किया। इसी के मद्देनजर आज हमारी फिक्र यह है कि देश जब तीसरी लहर के मुहाने पर खड़ा है तो फिर स्वास्थ्य विभाग की तैयारी क्या है और नए पैकेज में गांव के लिए क्या कुछ, आइए देखें रिपोर्ट। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक और सबसे पहले भोपाल की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। अस्पताल के गेट में ताले, दीवार में दरार, न बिजली न फर्नीचर, पूरी इमारत जर्जर, न स्वास्थ्य कर्मचारी और न ही डॉक्टर। ये तस्वीर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 30 किलोमीटर दूर जमुनिया कलां गांव के स्वास्थ्य केंद्र की। यहां पर स्वास्थ्य केंद्र
पूरी तरह से बदहाल है, टूटा फूटा है और पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। यहाँ पर ताला डला है काफी लंबे समय से। हालांकि स्थानीय जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आंगनवाड़ी भवन में जो नर्स हैं या स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो कभी कभी आते हैं इलाज के लिए और वैक्सीनेशन भी वहीं हुआ। ये मैं भवन की हालत दिखाना चाहूंगा, लंबे समय से ये भवन इसी तरह से बंद पड़ा है। यहाँ चार गाँव को मिलाकर एक स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन सालों से बंद पड़ा है। गाँव में डॉक्टर नहीं रहते, शहर से आते हैं, अगर आते भी हैं तो आंगनवाड़ी सेंटर में बैठते हैं। जरा सोचिए कोरोना महामारी के दौरान ऐसी स्वास्थ्य सेवा किस काम की। भोपाल के जमुनिया कला गांव से हमारी टीम आगे बढ़े तो सांकलखेड़ी पंचायत में एक और स्वास्थ्य केंद्र दिखा। इसकी इमारत तो चमक रही थी लेकिन 11:15 बजे तक डॉक्टर नदारद थे। कोई भी काम हो ही नहीं रहा है और सरकार कह रही है कि हजारों करोड़ रुपए दिए हैं, नई बिल्डिंग बन रही है। अरे कहाँ बन रही है, आप देख लो कभी कहीं बन रही है वो बिल्डिंग? ये इधर तो बन गई है सारी बिल्डिंग। नहीं, ये तो पंचायत भवन है, ये तो मीटिंग करने का, सरपंच का खुद बैठने का ऑफिस है। अब ये ग्रामवासियों का है, इलाज करवाते हैं, किसी की तबीयत खराब हो जाए गरीब से अमीर से लगा के भोपाल भगते हैं। इस रिपोर्ट को दिखाने के पीछे मकसद ये है कि महामारी काल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा गांव तक पहुंचे, घर और गांव के करीब ही लोगों का इलाज हो सके, क्योंकि आज भी देश की करीब 70% आबादी गांव में रहती है और कोरोना की दूसरी लहर का कहर गांव में भी मचा था। इसीलिए आज गांव की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी के बाद अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अस्पतालों की रिपोर्ट देखें। मोहनलालगंज तहसील में भवसारा गाँव का PHC सेंटर यही पहचान है जंगल झाड़ के बीच इस इमारत की। PHC सेंटर के आसपास पेड़ पौधे उगे, डॉक्टर के इंतजार में इमारत जर्जर हो गई। कोई भी कर्मचारी यहां पर झांकने नहीं आया जिसके चलते ये इमारत कबाड़ हो गई और जो एजेंडा था, जो सपना था लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर रूप में मुहैया कराने का, वो भी धराशायी हो गई। लेकिन आज इन सब की बहुत जरूरत है, जरूरत इस वजह से क्योंकि देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। हर रोज नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, तीसरी लहर की कवायद चल रही है, तीसरी लहर की आहट ने यहां पर यूपी में स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत करने पर जोर दिया है। मोहनगंज तहसील के ही गौरा गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र है जिसकी दीवारों पर मेडिकल स्टाफ के नाम लिखे हैं, लेकिन जब हम हेल्थ सेंटर में दाखिल हुए तो ताला लटका मिला, एक दो मरीज इंतजार करते दिखे। कोई अगर यहाँ पर आता है अपना इलाज कराने, हेल्थ से संबंधित जो मदद होती है, जो यहाँ से प्रोवाइड कराई जाती है, वो मदद लेने आता है तो आपको कोई नजर नहीं आएगा। बताइए ऐसे कैसे तीसरी लहर की तैयारी करेंगे? मुख्यमंत्री के साफ निर्देश हैं कि तीसरी लहर से पहले जो मुकम्मल तैयारी है वो हो जानी चाहिए और खासतौर पर गाँव पर जोर दिया गया है, लेकिन गाँव का जोर बेकार चला जाता है क्योंकि यहाँ पर हेल्थ कर्मी अपनी जिम्मेदारी को लेकर तनिक भी गंभीर नहीं है। पहले खुलता था, COVID-19 नहीं था, इसके बाद से नहीं खुला यहाँ पे कभी, जब कभी आ जाती हैं थोड़े टाइम के लिए बस चली जाती हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर धनवारा में भी हेल्थ सेंटर, यहाँ तैनात ANM लखनऊ शहर में रहती, लिहाजा वो तय सरकारी नियम के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी मर्जी से स्वास्थ्य केंद्र में आती है। ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की पड़ताल करती हमारी टीम यूपी के बुलंदशहर भी पहुंची। सिकंदराबाद इलाके बेलखन वाले गाँव में ये 4 कमरों का स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कोरोना महामारी के दौरान भी हेल्थ सेंटर महीने में सिर्फ एक बार खुलता है। इस डिस्पेंसरी के बाहर आपको दिखाई देगा हर तरफ यहाँ पर झाड़ है, झंकाड़ है, गंदगी है, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, कहीं भी सफाई के कोई इंतजाम नहीं है। सुबह का वक्त है और कायदे में ये वक्त वो होता है जब अस्पताल खुले होते हैं, लेकिन जब हम इस अस्पताल के अंदर पहुंच रहे हैं तो आपको हर तरफ यहाँ पर ताला लगा दिखाई देगा। कोरोना वाला टीकाकरण कोई नहीं हुआ है, ना ही आज तक कोई डॉक्टर बैठा है, जब से हॉस्पिटल बनी है डॉक्टर बैठा ही नहीं भाई साहब। अभी तो कोई आया होगा आप लोग के लिए, दवाइयों के लिए या वैक्सीनेशन के लिए? नहीं साहब, कोई नहीं आया बिल्कुल भी। बुलंदशहर के बाद अब हम हरियाणा के फरीदाबाद पहुंचे तो तत्सिया गाँव में तबेले के शक्ल का एक अस्पताल दिखा। ये स्वास्थ्य केंद्र से ज्यादा एक तबेला लग रहा है, यहाँ पर भैंसे बांधी गई हैं, हर तरफ यहाँ पर गोबर है, गोबर का ढेर है और ये हालात हैं उस स्वास्थ्य केंद्र पर जहाँ की जिम्मेदारी है लोगों के इलाज करने की। ददसिया गांव पे के जो लोग हैं वो अब तक इसी स्वास्थ्य केंद्र पर निर्भर थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में हालात ऐसे बदले कि अब ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरीके से तबेले में तब्दील हो चुका है। ये स्थिति यहाँ पर कब से है? करीब 10-15 साल से।
वैसे डॉक्टर की ड्यूटी होती है? हाँ, ड्यूटी होती है, ड्यूटी है, एक डॉक्टर होते जरूर। बिहार के राजधानी पटना के सुदूर इलाकों में भी अस्पताल की हालत जुदा नहीं। रुकनपुरा स्थित मॉडल स्वास्थ्य केंद्र में जब हमारे रिपोर्टर दाखिल हुए तो बिल्डिंग बदहाल थी, वहाँ ताले लटक रहे थे। जब तक इनको नहीं सुधारा जाएगा, जब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सुधरेगा, तब तक कोरोना जब महामारी का रूप लेती है, जिस तरह से भगदड़ मचती है, जिस तरह से लोग हॉस्पिटल्स के लिए बेचैन होते हैं, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, हॉस्पिटल की का ये पता नहीं है कि वो जाएं कहाँ, ऐसे में सुदूर इलाकों से लेकर के और राजधानी तक में ऐसे जो स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं उसकी बदहाली बहुत भारी पड़ने वाली है। कैमरामैन कुणाल के साथ रूपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को बढ़ाने वाली कई खबरें आ रही हैं और ऐसे आंकड़े हैं जो चिंताजनक हैं। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने कहा, देश में 90 जिलों से 80% केस आ रहे हैं। देश में 53% केस केरल और महाराष्ट्र से हैं। देश में पॉजिटिविटी रेट 2.6% है। ये चिंता और बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि कई जगहों पर भीड़ की स्थिति बनी हुई है, जिसके फोटो भी वायरल हुए हैं, ये देख रहे हैं आप, और इससे प्रधानमंत्री भी चिंतित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस विषय में कहा है कि एक जन आंदोलन लाना है कोविड से लड़ने की इस लड़ाई में। तो उस समय पर एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर बड़े विस्तृत रूप से सर्कुलेट हो रहा है, एक भी गलती के दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं और कोविड 19 से चलती हुई हमारी निरंतर लड़ाई में हम कमजोर पड़ सकते हैं। देखिए, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है सोशल अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस पैदा करना, ये एक म्यूचुअल सबको एक साथ मिलके करना होगा। थोड़े दिन की बात है, बस थोड़ा सा और धैर्य, थोड़ी सी और कोशिश, बस समय कट जाएगा। जहां सब लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे, जहां एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी और उसके बाद आपको जो करना है आप करिए। कोरोना के नए वेरिएंट और बढ़ते संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार सख्ती बरत रही है। केरल, उड़ीसा, असम समेत 8 राज्यों को पत्र लिखकर संक्रमण पर तत्काल काबू करने के लिए कहा गया है। इन राज्यों से आपदा प्रबंधन कानून के तहत अब तक उठाए गए सख्त कदमों का ब्यौरा भी तलब किया गया है। इस बीच गुड न्यूज यह है कि अब हवा में कोरोना के वायरस का पता लगाया जा सकेगा। अपनी ओर हवा को खींचती यह मशीन कोरोना काल में एक वरदान है। पानी के जग की तरह दिखने वाला यह डिवाइस खास है। इसका नाम है पेन CSIR एयर सैंपलर। CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने इसे तैयार किया है। अब जानिए कि पेन CSIR एयर सैंपल काम कैसे करता है। दरअसल ये मशीन किसी बंद कमरे, हॉल या मॉल में इस्तेमाल की जाती है। यह हवा को अपनी ओर खींचती है। मशीन के अंदर मेम्ब्रेन लगा होता है। अगर हवा के जरिए कोरोना वायरस मशीन में जाता है तो कोविड जांच के दौरान इसका पता चल जाएगा। जब ये करेगा सैंपल तो शाम को इसको लैब में लेके जाना पड़ेगा। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। क्योंकि ये वहाँ पे चमचता नहीं है कि वायरस है, उसको लैब में पता चलता है। क्योंकि ये वायरस हैंडल करना ऐसा नहीं कि इसमें कुछ इंजीनियरिंग में नहीं कर सकते, बट वायरस हैंडल करना इज वेरी अ प्रोफेशनल डिफरेंट एंड सेफ्टी। अब समझिए कि इस मशीन को वरदान क्यों कहा जाता है और ये कोरोना वायरस से किस तरह लोगों को बचाएगी। दरअसल इसे कहीं भी बंद जगह पर लगाया जा सकता है। 300-400 लोग जहां जमा हो सकते हैं वहां भी काम करेगी। कुछ घंटे बंद जगह पर इस्तेमाल करने के बाद इसके मेम्ब्रेन को RT-PCR टेस्ट के लिए भेजा जाता है, जिससे ये पता चल जाता है कि जिस जगह ये डिवाइस लगी थी वो एरिया संक्रमित है या नहीं। अगर वहां कोरोना वायरस है तो फिर वहां कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने की जरूरत है, यानी वहां सैनिटाइजेशन और जो लोग वहां आए गए उन्हें क्वारंटीन होने का संदेश मिल जाएगा और इस तरह कोरोना वायरस के संक्रमण में कमी लाई जा सकेगी। और आगे बढ़ने से पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। दरअसल केंद्र सरकार के नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पद संभालने के बाद आज दफ्तर के सहयोगियों से मुलाकात की। वहां कर्मचारियों से मंत्री जी की जो बातचीत हुई वो बेहद दिलचस्प है। बहुत बढ़िया काम करेंगे, खूब मजा आएगा जिंदगी में, लगे कि हाँ मजा आया वैसा रहेगा। सर ये सॉरी कहेंगे, ये आप कल हम लोग बात कर रहे थे, तो जिस कॉलेज से आप पढ़े हैं ये हमारे MBM क्यों आप भी सर, हाजी महाराज बात हो रही थी उसी कॉलेज से।
हम लोग कह रहे थे कि मंत्री जी को कभी आप मिलना तो बता देना कि हम उसी कॉलेज से क्या बात है, बहुत बढ़िया। मंत्री जी तो उत्साह बढ़ा रहे हैं लेकिन महंगाई आम जनता को खुश होने का मौका नहीं दे रही है। अब एक और बड़ी फिक्र, एक तरफ कोरोना संकट की वजह से कारोबार नौकरी धंधा बाजार ठप पड़ा है, दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से महंगाई ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। खाने के तेल से लेकर दाल सब्जियां गैस सिलेंडर दूध सब महंगा है और आम जनता महंगाई की मार से करा रही है। इसीलिए आज भी हमारी दूसरी बड़ी फिक्र महंगाई है। महंगाई पर अपनी खास सीरीज में कल हमने आपको दिखाया था पेट्रोल के बढ़ते दाम के चलते आम आदमी के बटुए पर कैसा बोझ बढ़ गया है। आज हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों में ले चलेंगे, बताएंगे कि डीजल की कीमत बढ़ने से किचन का बजट कैसे बढ़ गया, अनाज से लेकर सब्जियां तक कितनी महंगी हो गई और ये सब बढ़ते ट्रांसपोर्टेशन खर्च की वजह से हुआ है। यकीन ना है तो ये रिपोर्ट देखें। महामारी की प्रचंड मार के बीच महंगाई का जोरदार प्रहार हो तब मुसीबत और बड़ी हो जाती है। एक तरफ कोरोना वायरस से पूरा देश कराह रहा है, दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से रिकॉर्ड महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया है। महंगाई पर आने वाले आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं। पिछले 3 महीने में ही तेल की धार ने महंगाई को आसमान पर पहुंचा दिया है। अप्रैल में रिटेल महंगाई 4.23% पर थी जो मई में बढ़कर 6.30% हो गई। वहीं थोक महंगाई दर मई में बढ़कर रिकॉर्ड 12.94% पर पहुंच गई, जबकि मई में ही खाद्य महंगाई 1.96% से उछाल मारकर 5.01% के स्तरों पर पहुंच गई। महंगाई की यह रफ्तार आरबीआई की खतरे की सीमा रेखा भी पार कर चुकी है। कुछ महीनों में ही रिटेल महंगाई के मुकाबले थोक महंगाई ज्यादा तेजी से बढ़ी है। इसका अंजाम ये हुआ कि किचन का बजट बिगड़ चुका है। बढ़ी हुई कीमतों ने परेशानी बढ़ा दी है। ऐसे में आज आपके लिए समझना जरूरी है कि जैसे जैसे डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है ठीक उसी रफ्तार से खाने पीने के सामान और अनाज के दाम भी बढ़े हैं। सबसे पहले बात अनाज की करते हैं और आपको चंडीगढ़ मार्केट ले चलते हैं। चंडीगढ़ में डीजल के दाम लगातार बढ़ने से ट्रांसपोर्ट खर्च में भारी बढ़ोतरी हुई है। यहां के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक चंडीगढ़ में 1 अप्रैल को डीजल का दाम करीब 80.55 रुपए था जो आज 9 जुलाई को बढ़कर 89.31 रुपए हो चुका है। यानी डीजल के दामों में इस दौरान करीब 11% की बढ़ोतरी हुई है और इसी वजह से ट्रांसपोर्ट का खर्च भी 20% तक बढ़ गया है। चंडीगढ़ में डीजल के प्रति लीटर दाम 1 अप्रैल को करीब 80 रुपए के आसपास थे जो कि अब बढ़कर 90 रुपए प्रति लीटर हो चुके हैं और इसी वजह से तमाम ऐसे वाहन जो कि ट्रांसपोर्ट के काम में इस्तेमाल किए जाते हैं, भले ही वो छोटी पिकअप गाड़ियां हों, मिनी ट्रक्स हों, बड़े ट्रक हों या मल्टी एक्सल जो ट्रक हैं वो हों, इन सब का जो किराया है उसमें 20-25% तक की बढ़ोतरी हुई है और इसका सीधा असर तमाम खाने पीने की वस्तुओं और अनाज पर देखा जा रहा है और इन तमाम वस्तुओं के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि डीजल महंगा हो रहा है और डीजल की वजह से ट्रांसपोर्ट भी लगातार बढ़ रहा है। मतलब ये कि एक मल्टी एक्सल ट्रक जिस पर 1 अप्रैल 2021 को प्रति किलोमीटर 22 रुपए का खर्च आता था वो 9 जुलाई को बढ़कर 26 रुपए प्रति किलोमीटर हो गया। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर रखे गए स्टाफ, टोल और ट्रकों की मेंटेनेंस का खर्च अलग है। ये तो ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक माल भाड़े में जो वृद्धि हुई है उसकी बात थी, लेकिन इसका असर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले अनाज गेहूं पर कैसे पड़ा इसे समझिए। चंडीगढ़ के नजदीक मोहाली के खरड़ इलाके की अनाज मंडी में 1 क्विंटल गेहूं के ट्रांसपोर्ट पर 1 अप्रैल को जो खर्च 80 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास था वो आज यानी 9 जुलाई को बढ़कर 110 रुपए प्रति क्विंटल हो चुका है। यानी हर क्विंटल पर गेहूं के भाव में करीब 30-50 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कुल मिलाकर गेहूं जैसे अनाज के दाम में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई।
मोहाली अनाज मंडी के आढ़तीय भी इस बात पर मुहर लगाते हैं कि तीन महीने में ही हर क्विंटल पर गेहूं के भाव में 50 रुपए का इजाफा हुआ है। गेहूं कितनी महंगी हो गई है? अब गेहूं एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से पर 10 केजी में तो 50 रुपए, 5 रुपए केजी का 50 पैसे पर केजी उसका रेट सही मायने में बढ़ चुका है अभी तक। यानी 50 रुपए आप कह रहे हैं प्रति क्विंटल महंगी हो गई है? बिल्कुल। तो आपको ये लगता है कि ट्रांसपोर्ट के अगर ऐसे ही रेट बढ़ते रहे तो अनाज और महंगा होगा और खासतौर पर गेहूँ के दाम और बढ़ेंगे? हर चीज के रेट बढ़ेंगे जी, कले गेहूं को क्यों, हर चीज के। जब ट्रांसपोर्ट महंगी होगी तो हर चीज ट्रांसपोर्ट से आती है, गेहूं के तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, हर चीज के बढ़ेंगे। सुना आपने, महंगाई की ये मार यही नहीं रुकने वाली। वैसे कहावत है गरीबी में आटा गीला, लेकिन महंगाई के बीच क्या गरीब क्या अमीर, हर आम और खास लोगों की यही हालत हो गई है। 3 महीने पहले यानी 1 अप्रैल तक एक मल्टी एक्सल ट्रक जो 18,000 किलो गेहूं चंडीगढ़ से दिल्ली करीब 250 किलोमीटर तक लाता था, उसका कुल खर्च 5500 रुपए होता था, लेकिन वो 9 जुलाई को बढ़कर 6500 रुपए हो गया है। यानी 1 अप्रैल को ट्रांसपोर्ट का खर्च जोड़कर 1 किलो गेहूं खुले बाजार में करीब 20 रुपए 50 पैसे प्रति किलो था, जो आज 9 जुलाई को 22 रुपए प्रति किलो हो गया है। जानकारों का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में दाम में और ज्यादा बढ़ोतरी संभव है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी सप्लाई भी बढ़ाई जाएगी और फिर ट्रांसपोर्टर भी अपने नुकसान को पूरा करने के लिए माल भाड़े को बढ़ाएंगे। सारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। सप्लाई जो है कम थी, ट्रक जो खड़े हुए थे, अभी हमारे पास सप्लाई शुरू हो जाएगी, माल आने शुरू हो जाएंगे, तो नेचुरली जो है रेट इंक्रीज हो जाएंगे अपने आप ही। जाहिर है डीजल के दामों की दोहरी मार गेहूं के दामों पर आने वाले दिनों में और पड़ेगी और खामियाजा आम लोगों को ही उठाना पड़ेगा। ये गेहूं जब प्रोसेसिंग के लिए फैक्ट्रियों में जाएगा और वहां से वापस बाजार में बेचने के लिए लाया जाएगा तो दाम कई गुना बढ़ जाएंगे और महंगाई का मीटर छलांग मारेगा। देखा आपने, महंगाई के मुद्दे पर देश परेशान है, देशवासी परेशान है, घर का बजट बिल्कुल बेकाबू हो चुका है, लोग टकटकी लगाकर सरकार की ओर देख रहे हैं। सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के बूस्टर डोज जरूर दे रही है, मगर उसे आम आदमी की जेब पर असर नहीं हो रहा है। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। ऐसे में चंडीगढ़ के बाद हम आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार। यहां पर डीजल के दाम बढ़ने के बाद महंगाई पर क्या असर हुआ, आप खुद देखिए। पेट्रोल और डीजल की बढ़ रही कीमतों से देश में हाहाकार है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है और इसका सीधा असर रोजाना की खाने पीने की चीजों पर पड़ रहा है। इस हकीकत को और डिटेल में समझने के लिए TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर ने देश के अलग अलग राज्यों में मंडियों का जायजा लिया। हमारे रिपोर्टर पटना के आलू मंडी पहुंचे। बिहार में उत्तर प्रदेश से बड़ी मात्रा में आलू मंगाया जाता है, खास तौर से कन्नौज का आलू पटना पहुंचता है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अब यहाँ डीजल की बढ़ती कीमतों का असर आलू पर भी पड़ रहा है, कैसे ये समझिए। 1 अप्रैल को कन्नौज से पटना आने वाले आलू की कीमत 180 रुपए प्रति क्विंटल थी, वहीं आज यानी 9 जुलाई को पटना आते आते आलू प्रति क्विंटल 220 रुपए हो जाता है। मतलब ये कि प्रति क्विंटल आलू पर 40 रुपए की बढ़ोतरी हो गई। 1 अप्रैल को जो भी भाड़ा आ रही थी वहाँ से फ्लाइट कन्नौज से, वो 180 रुपए क्विंटल आ रहे थे, और अभी आ रही है 220 रुपए क्विंटल आज के डेट में। 220 रुपया आज 9 अप्रैल को 220 और 9 जुलाई को, और 1 अप्रैल को 180 रुपये क्विंटल। हाँ, यानी कि पैकेट पे भी अंतर ये स्पष्ट हुआ, क्विंटल पे प्रति क्विंटल अगर देखें तो 180 रुपये प्रति क्विंटल आलू कन्नौज से पटना 1 अप्रैल को, लेकिन आज 9 जुलाई को वही आलू उतना ही आलू, यानी कि 1 क्विंटल आलू जब कन्नौज से चल के पटना पहुंचा है 9 जुलाई को, तो वो हो गया है 220 रुपये प्रति क्विंटल। यानी कि 1 अप्रैल और 9 जुलाई के बीच में 40 रुपये प्रति क्विंटल का
भाव बढ़ा है। और ऐसा हुआ है डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से। प्रति क्विंटल आलू पर 40 रुपए की कॉस्टिंग बढ़ी है, वो सिर्फ भाड़ा बढ़ाने की वजह से आया है। अब ये समझिए कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज से पटना तक आलू लाने में ट्रांसपोर्टेशन कितना महंगा हुआ है। आमतौर पर एक ट्रक में 25 टन आलू आता है। एक टन आलू की कीमत 1800 रुपए है। 1 अप्रैल को एक ट्रक आलू की कीमत 45,000 रुपए थी, जो अब 9 जुलाई को बढ़कर 55,000 रुपए हो गई है। आलू पर महंगाई की मार के बाद बात प्याज की। नासिक के लासल गांव से प्याज पूरे देश में सप्लाई किया जाता है, लेकिन क्या प्याज की कीमतों ने भी लोगों के आंसू निकाले हैं? नासिक के ट्रांसपोर्टर के मुताबिक प्याज 3 महीने पहले मार्केट में 20 रुपए किलो बिक रहा था, जो अब 25 से 30 रुपए प्रति किलो है। यानी प्याज 5 से 10 रुपए प्रति किलो महंगा हुआ है। डीजल के दाम बढ़ने की वजह से प्याज के दाम पर बड़ा असर पड़ा है। ट्रांसपोर्ट का पकड़ेंगे तो पहले 60-70 रुपए डीजल था, अभी 93-94 तक गए, तो जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा वो डबल गिरने लगा है। अभी जो कैसे पहले अपन 10-20 रुपए देते थे, अभी वो 30-40 रुपए बोरी अपने को पड़ता है वो प्याज का। जाहिर है महंगाई में आग लगाने के लिए अगर सबसे ज्यादा कोई जिम्मेदार है तो वो है फ्यूल की कीमतें। बीते हफ्तों में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने जमकर हेडलाइन बनाई। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने से ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया, और ट्रांसपोर्ट महंगा होते ही दूसरी जरूरी चीजें भी महंगी हो गई। हालांकि दलीलें जो भी हो, हकीकत यही है कि कोरोना काल में लाखों युवाओं के रोजगार छिन चुके हैं, लोगों का धंधा ठप पड़ा है, महामारी की वजह से परेशानी सातवें आसमान पर है। ऐसे वक्त में महंगाई की मार और भी ज्यादा पीड़ा देने वाली है। अब फिक्र दिल्ली की, जिस पर एक बार फिर क्राइम कैपिटल का लेबल चस्पा होता जा रहा है। दिल्ली देश की राजधानी है, कहने के लिए तो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से देश का सबसे चाक चौबंद शहर। हकीकत यह है कि दिल्ली में लोग डर डर कर जी रहे हैं, क्योंकि यहां एक के बाद एक अपराधी क्राइम की ऐसी कथाएं लिख रहे हैं, ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं जिन्हें सुनकर कलेजा कांप जाए। 3 दिन में एक के बाद एक फायरिंग, मर्डर, डकैती की 4 बड़ी वारदातें हुई, जिन्होंने एक बार फिर यह सवाल उठा दिया है कि आखिर दिल्ली में अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो गए। कहीं घर में घुसकर लूटपाट को अंजाम दिया गया, कहीं सरेराह गोली की गड़गड़ाहट से खौफ पसर गया। इसीलिए दिल्ली में अब डर लगता है, क्योंकि नेशनल कैपिटल दिल्ली अब क्राइम कैपिटल ना बन जाए। यहां सिर्फ अपराधियों की चल रही है, अपराधियों के पंजे से कोई दूर नहीं है, ना घर पर, ना सड़क पर, ना बच्चे, ना महिलाएं, ना बुजुर्ग। दिल्ली में कोई सुरक्षित नहीं है। 6 जुलाई को वसंत विहार इलाके में, वसंत विहार जो कि दिल्ली का सबसे पॉश इलाका है, वहां पर केंद्रीय मंत्री पीआर कुमार मंगलम की पत्नी की हत्या हो गई। और उसी दिन पालम विहार में एक एयरफोर्स कर्मी की पत्नी और बेटे का डबल मर्डर। इन दोनों मामलों में आरोपियों को पकड़ने का दावा करके पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है। 24 घंटे भी नहीं बीते कि उत्तम नगर में एक घर में घुसकर लोगों ने बंधक बनाकर लाखों की लूट को अंजाम दिया, और उसके बाद 24 घंटे के भीतर बीती रात बड़ा हिंदुराव इलाके में सरेरा फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पर फिर बरपा है हत्यारों का कहर, दिल्ली पर फिर छाने लगा है लुटेरों का खौफ। देश के दिल दिल्ली में वारदातों का शोर मचने लगा है, क्योंकि यहां जुर्म का जोर चलने लगा है। दिल्ली में इतनी सुरक्षा व्यवस्था रहती है जितनी देश के किसी भी दूसरे शहर में नहीं होती, क्योंकि ये देश की राजधानी है। लेकिन जिस तरह जुर्म की दुनिया दिल्ली को अपने खूनी पंजों का जोर दिखाने में लगी है, उसने यहां चप्पे चप्पे पर चौकसी के दावों को फेल कर दिया है। दिल्ली अब क्राइम कैपिटल बन चुकी है, यानी अपराधों की राजधानी, क्योंकि यहां अगले पल ना जाने क्या हो जाए, किसका कत्ल हो जाए, ना जाने कौन लुट जाए, किसी को नहीं पता। तारीख 8 जुलाई, वक्त रात करीब 9:15 बजे, जगह बाड़ा हिंदुराव। सड़क पर सरेआम फायरिंग से दहल उठी दिल्ली। सरेराह गोलीबारी में 2 राहगीरों की मौत। ये वो जगह है जहां एक बार फिर दिल्ली पुलिस को जुर्म की दुनिया से चुनौती मिली। इस इलाके में ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज आई। आपको दिखाना चाहेंगे, रॉयल ट्रेवल्स एंड कार्गो का ऑफिस है, इसके बाहर ये पूरी घटना घटी है। बताया जा रहा है कि एक नईम नाम के शख्स थे जो अपने हॉस्पिटल में बैठे हुए थे। वहाँ पे एक शख्स पहले पहुँचता है, वो हॉस्पिटल जो है वो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, और वो शख्स पहले वहाँ रेकी करता है। उसके बाद जब नईम
बाहर निकलते हैं इस गाड़ी में, जो ये गाड़ी खड़ी है स्विफ्ट डिजायर, वो शख्स उस गाड़ी को इस जगह पे आकर रोकता है। कार में नईम, उनका भांजा मुनीब और प्रकाश नाम का एक लड़का था। जैसे ही एक हमलावर उनकी गाड़ी को रोकता है, वैसे ही सड़क के दूसरी ओर से उसके साथी ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगते हैं। कार सवार तीनों लोग तो किसी तरह जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन वहां से गुजर रहे दो राहगीरों को गोली लगी और उनकी मौत हो गई। गाड़ी के आगे आगे खड़ा हो गया। मैंने कहा भाई क्या बात है, हट गाड़ी के आगे से। कह रहे तू उड़ाएगा क्या मुझे? मैंने नहीं भाई, मैं क्यों उड़ाऊंगा तेरे को, आगे से हट। अब मैंने गाड़ी से निकलते ही देखा ना, दो लड़के उधर खड़े हुए थे, पाँच छः लड़के एक साइड पर खड़े हुए थे। तो मेरे को पहले से जब हुआ कुछ प्लानिंग से आए हैं, और उन्होंने वहाँ से सामने से फायरिंग चालू कर दी। 20-22 फायरिंग हुई है, जिसमें राहगीर दो आदमी उनके गोली लगी और वो मर गए। जिन दो राहगीरों की मौत हुई, उनमें से एक की पहचान संजय के रूप में हुई है, लेकिन दूसरे राहगीर की शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस को अंदेशा है कि वारदात की वजह आपसी रंजिश है। पुलिस के हाथ मौके से कुछ सीसीटीवी फुटेज लगी है, और चश्मदीदों की माने तो आरोपियों ने मास्क नहीं पहन रखा था, इसीलिए सीसीटीवी से पुलिस को आरोपियों की पहचान करने में मदद मिलने की उम्मीद है। कहीं सरे रहा फायरिंग में लोग मौत के घाट उतार दिए गए, तो कहीं घर में घुसकर परिवार को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, और ये सब सिर्फ 24 घंटे के अंदर हुआ। इसीलिए दिल्ली में अब डर लगता है। दिल्ली वाले इस डर में जी रहे हैं कि कहीं उनके साथ भी कोई अनहोनी ना हो जाए, जैसी उत्तम नगर में एक परिवार के साथ हुई। आम घरों की तरह लिविंग रूम में एक परिवार नजर आ रहा है। दरवाजे की घंटी बजती है और महिला दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर खड़ा शख्स खुद को बिजली कर्मचारी बताता है और अचानक हथियार निकालकर घर में घुसने लगता है। महिला सहम कर पीछे हट जाती है। हथियार बंद लोगों को देखकर सोफे के पास बैठा युवक भी अवाक रह जाता है। कोई कुछ सोच समझ पाता है, तब तक चार बदमाश अंदर आ चुके थे। सबके हाथ में हथियार और मुंह पर मास्क होता है। तीन बदमाशों ने टोपी पहन रखी है, और जबकि एक ने हेलमेट लगा रखा है। चारों अंदर आ जाने के बाद दरवाजा बंद कर देते हैं। एक डकैत महिला को पकड़कर वहां पड़ी कुर्सी की ओर ले जाता है। बदमाशों से बचने के लिए वहां मौजूद बच्ची दौड़कर अपनी माँ के पास चली आती है। इसी बीच एक डकैत वहां मौजूद युवक की तरफ लपकता है। उसके हाथ और पांव बांध दिए जाते हैं। लुटेरे परिवार को लगातार धमका रहे थे, पूछ रहे थे कैश, ज्वेलरी और बाकी कीमती सामान कहाँ रखा है। हथियारों का डर दिखा रहे थे, चुप रहने का इशारा कर रहे थे। करीब आधे घंटे तक बदमाश बेखौफ होकर लूटपाट करते रहे। 8 लाख कैश और लाखों की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए, और अब पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। आज से कई साल पहले किताब लिखी गई, जिसका नाम है द टिपिंग पॉइंट। उसमें मैल्कम ग्लैडवेल ने एक उदाहरण दिया था कि अब जब अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन था, तो न्यूयॉर्क की हर स्ट्रीट पर पुलिस वाले थे, लेकिन फिर भी क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि आर्थिक हालत खराब थी। क्राइम कई बार आर्थिक हालात का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है, और पुलिस की नाकामी का भी। पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी है, और मुमकिन है कि जल्द ही उन्हें दबोच भी ले। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बदमाशों में इतनी हिम्मत कहां से आ जाती है? कैसे वो देश के सबसे चाक चौबंद शहर यानी राजधानी दिल्ली में जुर्म करने की सोच लेते हैं? क्योंकि जिस तरह दिल्ली में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, उसे देखकर ये सवाल बहुत अहम हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के हिसाब से इस साल 15 जून तक लूट के 942 मामले दर्ज किए गए हैं, जो पिछले साल 15 जून तक 701 थे। डकैती की वारदात का जिक्र करें तो इस साल 15 जून तक ये आंकड़े 7 हैं, जो पिछले साल 4 थे। घरों में चोरी के मामले पिछले साल 15 जून तक 875 थे, इस बार बढ़कर 938 हो गए हैं। रहा चलते स्नैचिंग के मामले, बढ़कर इस साल 15 जून तक करीब 3829 हैं। गाड़ियों की चोरी बढ़ गई पिछले साल 15 जून तक और इस साल 15 जून तक के आंकड़ों में देखकर फर्क आसानी से समझा जा सकता है। ये देखें आप, 15,000 2,000 से ज्यादा का, 2,500 से ज्यादा का फर्क है। पिछले साल के मुकाबले इस साल 15 जून तक के आंकड़ों में दिल्ली में रेप के मामले भी ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं। और अब फिक्र आपके स्मार्टफोन की, आपके लैपटॉप की और दूसरे ऐसे गैजेट्स की जिसमें माइक्रोचिप का इस्तेमाल होता है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इनकी सप्लाई घट जाए। कैसे? आप देखें इस रिपोर्ट में। हालात नहीं सुधरे तो स्मार्टफोन, लैपटॉप और इंटरनेट से चलने वाले कई दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की किल्लत हो सकती है।
दरअसल दुनिया भर में इन उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले चिप्स और कंपोनेंट्स की कमी हो गई है और आशंका है कि अगली दो तिमाही तक हालात ऐसे ही रहेंगे। जिस ताइवान का सबसे एडवांस माइक्रोचिप्स की 90% बाजार पर कब्जा है, वहां इस वक्त 50 वर्षों का सबसे बड़ा सूखा पड़ गया है। चिप्स को साफ करने के लिए भारी मात्रा में पानी की जरूरत पड़ती है और ताइवान की सरकार ने इस कमी को पूरा करने के लिए देश के 74,000 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र की सिंचाई भी रोक दी है। मीडिया में आई रिपोर्ट के मुताबिक चिप शॉर्टेज के कारण कई कंपनियों के काम पर असर पड़ रहा है। मिसाल के तौर पर सैमसंग इंडिया स्मार्टफोन सेल्स टीम ने रिटेलर्स को मौखिक रूप से बताया कि सेमीकंडक्टर चिप्स और कंपोनेंट्स की भारी कमी के कारण जुलाई में हैंडसेट की सप्लाई में 70% तक की कमी हो सकती है। इसी तरह एप्पल, एचपी, लेनोवो, डेल, शियोमी, OnePlus और रियलमी जैसे ब्रांड्स की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। ये दिक्कत ऐसे समय में आई जब खुदरा विक्रेताओं और कंपनियों को बाजार में उछाल की उम्मीद थी और लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद बिक्री में सुधार का इंतजार किया जा रहा था। कॉमन सिविल कोर्ट पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा अब देश को समान नागरिक संहिता की जरूरत। तलाक केस में फैसले के दौरान जज ने की टिप्पणी। कोरोना नियम नहीं पालन करने पर केंद्र ने जताई चिंता, कहा दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है, सावधानी हटने पर वायरस विस्फोट की आशंका। ऑक्सीजन आपूर्ति को बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने की समीक्षा बैठक, टॉप अफसरों के साथ किया मंथन, राज्यों में ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था पर भी चर्चा। लखीमपुर खीरी में सीएम योगी का बहुत बड़ा एक्शन, महिला से बदसलूकी मामले में सीओ और थाना अध्यक्ष समेत पूरा थाना सस्पेंड। कोरोना नियमों की अनदेखी पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली के गफ्फार और नई वाला मार्केट 11 जुलाई रात 10 बजे तक बंद, रोहिणी सेक्टर 13 की डीडीए मार्केट भी 12 जुलाई तक बंद करने का आदेश। और अब देखते हैं खबरें पॉजिटिव। मॉडर्ना की वैक्सीन इस हफ्ते तक भारत पहुंचने की उम्मीद है। न्यूज एजेंसी एनआई ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि स्वास्थ्य अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि मॉडर्ना की वैक्सीन अस्पतालों में 15 जुलाई तक पहुंच जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक अभी मॉडर्ना को कानूनी दायित्व के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने पर चर्चा हो रही है, इस पर फैसला इसी सप्ताह में होने की संभावना है। सहमति मिलते ही मॉडर्ना वैक्सीन की करीब 70 लाख डोज के तत्काल आयात की अनुमति मिल जाएगी। आईटी सेक्टर में नई भर्तियों की रफ्तार काफी तेज हो गई है। दरअसल कोरोना काल में आईटी सर्विसेज की मांग में बेहद तेजी आई है और इसका फायदा इस सेक्टर में नौकरी के लिए अप्लाई करने वालों या नौकरी बदलने वालों को मिल रहा है। ऑनलाइन जॉब पोर्टल naukri.com के मुताबिक जून महीने में इस सेक्टर में हायरिंग में जबरदस्त तेजी आई है। जून 2020 की तुलना में जून 2021 में भर्तियों में 163% की बढ़ोतरी हुई है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर जैसे जैसे थमती नजर आ रही है, वैसे वैसे ऑटो डिमांड पटरी पर लौट रही है। पाबंदियों में राहत से आवाजाही बढ़ी है जिससे गाड़ियों की खरीद भी बढ़ी है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक जून 2021 में गाड़ियों की बिक्री 23% बढ़कर 12.1 लाख हो गई। इस दौरान पैसेंजर व्हीकल सेल भी 43% ज्यादा हुई। पुणे किन्नर समुदाय के लिए एक क्लिनिक बनाया गया है जो महाराष्ट्र में अपनी तरह का पहला क्लिनिक है। यहाँ किन्नरों का मुफ्त इलाज और लैब टेस्ट होंगे, काउंसलिंग होगी। आमतौर पर सामान्य अस्पतालों में किन्नरों के साथ भेदभाव की शिकायतें आती रहती हैं। ऐसे में ये 10 जुलाई से शुरू होने वाला क्लिनिक किन्नर समुदाय के लिए बहुत बड़ी सौगात है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।